तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल VGR Blogs में। दोस्तों आज मैं फिर एक नए सफ़र पर निकल चुका हूं और आप लोग तो जानते हैं दोस्तों, आप लोगों को लगातार जो बनारस की नई नई चीज़ें हो या फिर कोई भी जो नए प्रोजेक्ट हो वो आप लोगों को दिखाता रहता हूं। दोस्तों इस वक्त ग्रीन लाइट, मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा। ये दाएँ से निकल गए, हम चलेंगे लेफ्ट। तो ये मैं दोस्तों रॉकेट की तरह आ गया। ये देखिए बनारस का ट्रैफिक, देख सकते हैं आप कितना चपंत यहाँ पर ट्रैफिक है, चापम चाप एकदम। तो दोस्तों इस वक्त हूँ मैं चौका घाट पे, जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये चौका घाट का फ्लाईओवर, ये पागल लोग बीच में चल रहे हैं परलू। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को जो सस्पेंस है वो थोड़ा सा कम करता हूँ। दोस्तों आज मैं चल रहा हूँ आपको इंडिया का जो पहला मॉडल घाट है वो दिखाने के लिए, और साथ ही दोस्तों एक बहुत ही मतलब ख़ास चीज़ आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। अभी वहाँ चलूँगा तो आपको दिखाऊँगा भी। देखिए दोस्तों अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप जब अभी तक बनारस में आते थे तो अगर आपको विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करना है या फिर घाट पर जाना है तो आपके पास क्या ऑप्शन था? आपके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन था कि आप भैया कैंट से या फिर एयरपोर्ट साइड से कहीं से भी आइए तो आपको जाना पड़ता था पुराने बनारस में। पुराना बनारस बोले तो आपका बनियाबाग, गदौलिया, ये सब जगह में जाना पड़ता था। अब यहाँ जाने में समस्या क्या थी? समस्या दोस्तों ये थी कि ये है पुरानी जगह और यहाँ की जो बसावट है वो है बहुत ही सकरी। तो सकरी होने की वजह से दोस्तों वहाँ लगता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम, और कार लेके जाना तो मतलब समझ लीजिए कि एक युद्ध के समान था वहाँ कार लेके घुसना। तो इस चीज़ से दोस्तों मतलब होता क्या था कि दिमाग एकदम ख़राब हो जाता था कि अरे यार इतने ट्रैफिक में साला कौन जाए, कितने लोग तो जैसे मेरे जैसे लोग तो कार लेके जाते ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ कार लेके अगर मैं वहाँ गया गदौलिया या बनियाबाग वाले एरिया में तो मेरा 2 घंटा कहीं नहीं गया, 2 घंटा जाना 2 घंटा आना। तो इसलिए दोस्तों मैं अपनी यही फटपटियाँ लेके ही पहुँचता हूँ उधर, अगर मुझे उधर जाना होता है तो। लेकिन अब दोस्तों आप देख रहे होंगे मैं जिस सड़क पर चल रहा हूँ, ये सड़क पहले दोस्तों एक ही लेन थी, और एक ही लेन कितनी चौड़ी थी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो वाइट वाला आप देख रहे हैं, ये इस साइड से वाइट वाला और इस साइड से वाइट वाला, इतनी चौड़ी दोस्तों ये पूरी सड़क थी, ठीक है। और यहीं पर मतलब इतने में ही होता क्या था कि इतने में ये देख रहे हैं, ये बस देख रहे हैं खड़ी है, ये देखिए इधर भी बस और ट्रकें खड़ी हैं, तो ये बस और ट्रकें इतने ही सड़क में वो लोग भी खड़े रहते थे और वहाँ सवारियाँ बिठाते थे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता था, यहाँ से जो सोनभद्र, गाजीपुर, आजमगढ़ इन सब जगह जाने वाली जो बसें थीं, तो प्राइवेट बस अड्डा दोस्तों यहीं पे चौका घाट पे ही था, आज भी है। मतलब ऐसा नहीं कि उसे एकदम समाप्त कर दिया गया, लेकिन दोस्तों आप स्वयं देख सकते हैं कि इस वक्त क्या बदली हुई चीज़ क्या है। आप ये देखिए दोस्तों, इस साइड इतनी सड़क है और ये देखिए बीच में डिवाइडर बनाया गया, और उस साइड देखिए उतनी सड़क है दोस्तों। वो तो बीच में इन लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं इसलिए इतना मतलब वो भी कम लग रहा है, नहीं तो दोस्तों बहुत चौड़ी है सड़क कर दी गई है। तो सड़क दोस्तों देखिए चौड़ी करने का लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था दोस्तों कि अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ, ये आपका जो नया इंडिया का पहला जो मॉडल घाट बना है, तो इस मॉडल घाट की विशेषता यही है दोस्तों कि अब यहाँ पर आप सीधे घाट तक मतलब एकदम घाट तक आप नीचे तक गाड़ी से जा सकते हैं दोस्तों। सबसे खास चीज़, और मुझे ये बहुत ही पसंद है, क्योंकि कारण क्या है दोस्तों, मैं सालों से एकदम मतलब पक गया हूँ ट्रैफिक में जा जाके, और घाट के लिए दोस्तों बहुत लंबा पैदल चलना पड़ता है, आपने देखा ही है। जो गदौलिया से लेकर दशाश्वमेध का जो मतलब मार्ग है वो आपने देखा है दोस्तों, कितनी भीड़ भाड़ में पैदल चलने की जगह नहीं रहती है, इतना भीड़ रहता है। तो उसी भीड़ से दोस्तों बचने के लिए ये एक नया मतलब ऑप्शन दिया गया है पब्लिक को। अब ये ऑप्शन काम कैसे करेगा, देखिए आप जब मान लीजिए कहीं से भी आ रहे हैं तो आप बाय रोड, ये देखिए बाय रोड मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ, बाय रोड आप दोस्तों सीधे घाट तक पहुँच सकते हैं। और ये जो रास्ता है दोस्तों ये हर तरफ से मतलब उस घाट को जोड़ता है। अब होगा क्या दोस्तों कि आप सोचेंगे कि यार घाट से तो हम इस पार पहुँचेंगे, तो जो है कि हमको विश्वनाथ मंदिर या गदौलिया मतलब जाना है तो हमें तो वो पार करना पड़ेगा। ये दोस्तों देखिए वाराणसी आपका सिटी स्टेशन है, देख सकते हैं आप वाराणसी रेलवे सिटी स्टेशन। दोस्तों बनारस में अपने लगभग 4-5 स्टेशन हैं मतलब बड़े बड़े टाइप के। एक तो आपका वाराणसी रेलवे स्टेशन है मेन वाला जंक्शन,
एक आपका बनारस रेलवे स्टेशन हो गया है जो कि पहले मड़ुआडी के नाम से था, एक दोस्तों ये वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन है मतलब बड़े में, और एक दोस्तों काशी जंक्शन है जहाँ पे कि वो घाट अभी जहाँ मैं ले चल रहा हूँ आपको वहाँ पे दोस्तों काशी वाला जंक्शन है, और वहीं पे दोस्तों एक बहुत ही बड़ा इंटरमॉडल स्टेशन भी वहाँ बनने वाला है जहाँ पे कि बस ट्रेन और मतलब बाकी चीज़ों की भी एक साथ सुविधा होगी। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा दोस्तों महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा है या फिर बाकी चीज़ें हैं, तो उस टाइप का दोस्तों यहाँ पे ये लोग बनाने वाले हैं। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, अभी उसका कुछ डिटेल नहीं आ पाया है लेकिन जितना अवेलेबल है उसके हिसाब से यही सुनने में आया दोस्तों कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेशन बनने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ से देखिए जब ये नया जो मॉडल घाट होगा तो यहाँ आप जब बाई रोड पहुँचेंगे तो उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए आपको काशी विश्वनाथ जाना है तो जो मॉडल घाट है वहीं से दोस्तों नाव चलेंगी, तो नाव में बैठकर आप आराम से अपने बाबा के धाम जाइए, दर्शन कीजिए और वापस से जैसे फेरी सर्विस चलती है ना उस टाइप का दोस्तों यहाँ पर चलाने की व्यवस्था की जा रही है। अभी मैं दोस्तों कुछ ही दिनों में जो कार्यपालक महोदय हैं उनसे मिलने वाला हूँ, तो मैं उनसे पूरी जानकारी लूँगा कि ये लोग क्या रूट तय कर रहे हैं और इसका किराया वगैरह क्या रखेंगे, और अगर आपका दोस्तों कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा कि मैं उनसे क्या कहूँ कि ऐसी व्यवस्था हो, मतलब आप जैसी व्यवस्था चाहते हैं दोस्तों वैसी आप लोग बता दीजिए, मैं उनको लेटर के माध्यम से आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो दोस्तों उन तक पहुँचा दूँगा, क्योंकि दोस्तों महाशिवरात्रि से पहले जो तैयारियाँ हैं वो लगातार चल रही हैं, और इसीलिए दोस्तों मैं भी चल रहा हूँ, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ का अपडेट दिए। एक्चुअली में दोस्तों ये जो घाट है ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि दोस्तों जब मैंने YouTube शुरू किया था तो उस समय ये घाट दोस्तों बनना शुरू हुआ था, शुरू किया था दोस्तों काफ़ी हद तक बन ही गया था, शुरू तो काफ़ी पहले हुआ था, तो इसलिए दोस्तों ये घाट मेरे बहुत ही दिल के करीब है, कारण आपको बता ही दिया मैंने कि यहीं से मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत की थी जो कि शुरुआती लगभग दोस्तों 3,350 करीब गया था, तो इसलिए दोस्तों आज मैं इसका लगातार जो अपडेट है वो देता रहता हूँ। दोस्तों अभी मैंने आपको भव्य काशी दिव्य काशी वाला वीडियो भी दिखाया था जो कि दोस्तों काफ़ी पॉपुलर था, 60,000 से ऊपर चला गया था। ये देखिए दोस्तों ये एक आरओबी बहुत टाइम से बन रहा है, ये आरओबी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आप आरओबी देख रहे हैं ये आरओबी आपका देखिए ये यहाँ से सैयद राजा साइड जाने का रास्ता है, मतलब जो पुराना पुल है उस साइड दोस्तों यहाँ से जाते हैं, और पुराने पुल के अलावा यहाँ से ये देखिए दोस्तों लाठ भैरव चौकी है यहाँ पर, यहाँ से दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे, और आपको और बता दूँ दोस्तों कि ये जो रास्ता है ये राजघाट की तरफ जाता है, और यहीं से दोस्तों अगर मान लीजिए किसी को मुगल सराय या फिर बिहार वगैरह जाना है, चंदौली जाना है, तो वो दोस्तों इसी रास्ते को पकड़ के जाता है। और इस वक्त हूँ मैं दोस्तों गुलगड्डा एरिया में, ये देखिए, तो ये जो घाट है दोस्तों ये मतलब बहुत ही सोच समझ के और पूरी प्लानिंग के साथ दोस्तों इसको बनाया जा रहा है। वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड इसकी कार्यदायी संस्था है दोस्तों, और प्लानर इंडिया इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो वही दिखाने के लिए दोस्तों आज हम लोग चल रहे हैं। और आप लोगों से ये भी जानना था दोस्तों कि जैसे मान लीजिए ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, और मान लीजिए मैं कोई प्रोजेक्ट्स के अलावा या फिर मान लीजिए काशी विश्वनाथ के अलावा कोई वीडियो डालता हूँ दोस्तों तो आप लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, तो उसका क्या कारण है दोस्तों मुझे समझ में नहीं आया, तो या तो आप कहिए तो मैं सिर्फ इसी पर्टिकुलर यही जो निश है उसी को पकड़ के चलूँ, बिल्कुल इसमें कोई भी तरह का बदलाव ना करूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे एक एक जो दुविधा है वो ये रहती है कि देखिए हरदम एक नया कंटेंट बनाना पड़ता है, मुझे लगता है कि पब्लिक नया कंटेंट चाहती है, लेकिन जब दोस्तों मैं नया कंटेंट बनाता हूँ तो पब्लिक देखती नहीं है, तो ये चीज़ बड़ी मुझे कंफ्यूज करती है कि नया कंटेंट देना है या नहीं देना है, क्या करना है, तो कोई नहीं दोस्तों आप लोग की जो भी मर्ज़ी है वो तो मैं उसी हिसाब से वीडियोज़ बनाऊँगा। ये दोस्तों देखिए यही जो आप ऊपर देख रहे हैं ये काशी जंक्शन का दोस्तों ये देखिए पुलिया है जो मैं अभी आपको बता रहा था, और दोस्तों पहले क्या होता था ये आप देख रहे हैं ना ये जो पत्थर लगा है मतलब यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, रुकिए अंधेरा हो गया है, थोड़ा उजाला होने दीजिए, ये देखिए दोस्तों ये जो आप पत्थर देख रहे हैं दोस्तों ये वाला, तो ये पत्थर दोस्तों अभी रिसेंटली ही लगाया गया, और ये लाइटें आप देखिए दोस्तों
ये जो लाइटें आप देख रहे हैं ये वाली, तो ये लाइटें जो हैं, ये लाइटें देखिए बनारस के हर कोने में इसको बनारस ताकि सुंदर दिखे इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और ये देखिए दोस्तों, मैं आपको ये पानी की टंकी दिखा रहा हूँ। बनारस में आपने देखा होगा दोस्तों, हमारी पिछली वीडियोस में भी जितनी भी पानी की टंकियाँ हैं सबको दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया चित्रकारी के माध्यम से सुंदर बनाया गया है, ताकि दोस्तों बनारस की जो छवि है वो निखर के आए। आप स्वयं देख सकते हैं दोस्तों, ये सड़क देखिए कितनी साफ़ सुथरी और कितनी मतलब यहाँ पे जगह हो गया है। पहले तो दोस्तों बड़ी जाम, बहुत ज़्यादा जाम लगता था यहाँ पे, और सड़क भी दोस्तों उबड़ खाबड़ थी, एकदम बेकार सी। लेकिन अब दोस्तों माहौल एकदम बदल गया है, आप स्वयं खुद देख लीजिए ना, मतलब मुझे क्या तारीफ़ करनी है, आप स्वयं देखिए और खुद ही बताइए कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों खुद से निर्णय लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं तारीफ़ करूँगा तो बोलेंगे कि यार तुम किसी के सपोर्टर हो, ये है वो है। अब लेकिन दोस्तों बताइए आप, ये देखिए ये सड़क आग मान लीजिए बनी है तो मैं क्या कहूँ कि नहीं है, नहीं बनी है, मतलब क्या करे आदमी। अब अपनी बनारस की मान लीजिए कोई बढ़िया काम हो रहा है तो मैं उसको ये थोड़ा ना कहूँगा कि नहीं बनारस में बेकार काम हो रहा है, तो वही चीज़ है दोस्तों। अब पता नहीं क्यों कुछ लोग चिढ़ जाते हैं, लगते हैं गुस्सा करने, अब उन लोगों का क्या करूँ मैं, मतलब या तो करूँ मैं घर में बैठ जाऊँ, कुछ दिखाऊँ ही ना किसी को।